हम अपने शहर में दुर्गा जी को देखने के लिए आए और यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना भव्य तरह से दुर्गा जी बनाया गया है और किस प्रकार से इसका खूबसूरती था। लेकिन जैसे ही दुर्गा जी को हम देख रहे थे वैसे ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ आ गया, लेकिन फिर भी हम देख लिए दुर्गा जी को। और यहाँ पे देखने के बाद इसकी खूबसूरती को हम देखने लगे और बाहर की डिजाइनिंग देख सकते हैं कि किस प्रकार से था और बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे जो सजावट था वह भी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और यहाँ की खूबसूरती को देखते हुए हमने आगे बढ़े और यहाँ पे एक दुर्गा जी को देखने के लिए जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइटिंग का व्यवस्था किया गया था। जैसे ही हम अंदर घुसे तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से दुर्गा जी को सभी लोग देख रहे थे और आपस में ही फ़ोटो खिंचा रहे थे। और इस प्रकार से यहाँ के दुर्गा जी को देखने के बाद हम बाहर निकलने लगे और यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाहर इसका सजावट था। लेकिन जैसे ही हम मेन मार्केट में एंट्री किए तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मात्रा में भीड़ था और बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। यहाँ पे आपको 1 किलोमीटर जाने में बहुत ज़्यादा देर लग जाता था और यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ था। और यहाँ पे भी सजावट बहुत ही खूबसूरत था, इसलिए कि यह मेन मार्केट था और इसमें भीड़ लगना बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए कि दुर्गा पूजा का मेला था और इस दिन काफ़ी मात्रा में यहाँ पे भीड़ था। और भीड़ लगने के बाद यहाँ पे जैसे तैसे हम यहाँ से आए और यहाँ दुर्गा माता का दर्शन किए। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ का दुर्गा पूजा का जो दुर्गा जी का फोटो है वह किस प्रकार से बनाया गया और कितना खूबसूरत है। आप इसी से अनुभव लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार से माहौल रहा होगा और यहाँ भीड़ किस प्रकार से है। लेकिन यहाँ सभी लोग देख सकते हैं कि मग्न थे दुर्गा पूजा के मेला में और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मेला था। और यहाँ के मेला को देखने के बाद हम आगे बढ़ गए और जब बीच मार्केट में गए तो यहाँ भी बहुत ही ज़्यादा काफ़ी मात्रा में भीड़ था। लेकिन जैसे तैसे हम आगे बढ़ते गए और बहुत ही खूबसूरत तरह से मेला को इंजॉय कर रहे थे और मेला को इंजॉय करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुर्गा जी का पंडाल बना हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ से ब्लॉगिंग जो है बहुत ही काफ़ी भीड़ था, लेकिन बनाने में बहुत दिक्कत हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने बनाया और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ खचमा खच भरा हुआ था और इसको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि दुर्गा जी का प्रतिमा यहाँ था और इसका डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार के था इसका पंडाल का। और यहाँ पे भीड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में था, आगे बढ़ने के लिए सोचना पड़ रहा था। और उसके बाद फाइनली हम जो अपने गोवर्धन मंदिर है नवादा में वहाँ पे आए घूरने के लिए, वहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भीड़ था। आप लोगों को गोवर्धन मंदिर का ब्लॉग भी दिखाए थे और यहाँ भी काफ़ी भीड़ होने के कारण कुछ देरी देखे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा तो कुछ देरी हम नाटक देखने के लिए बैठ गए और नाटक देखने लगे। नाटक देखते देखते कुछ टाइम बिताए यहाँ पे और टाइम बिताने के बाद फिर यहाँ से हम ब्लॉगिंग को लास्ट करने लगे, ताकि बहुत ज़्यादा थकान हो गया था।